हाय गाइस नमस्ते, केम छो, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब मस्त होगे, ठीक होगे और मजा मोगे। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी गर्मियों की सीजन चल रही है। गर्मी के बाद जैसे ही मॉनसून की सीजन आएगी ना, तो उसमें ह्यूमिडिटी के कारण होता क्या है कि हमारी स्किन का जो ओरिजिनल मॉइस्चर है वो कहीं पर खो जाता है, तो स्किन काफी डल दिखने लगती है, धीरे धीरे करके स्किन काली पड़ने लगती है। तो ऐसे में आपको एक ब्राइटनिंग इफेक्ट दे वैसा फेस पैक चाहिए होगा, राइट। आजकल हम सबकी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बिजी चल रही है कि हम स्किन केयर रूटीन अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, पानी अच्छे से नहीं पीते हैं, स्किन की केयर अच्छे से नहीं करते हैं, पूरी नींद अच्छे से नहीं लेते हैं। तो ऐसे में हमारी स्किन जो है ना, उसमें 20-25 एज में ही एजिंग रिलेटेड जो इश्यू है ना, जैसे कि फाइन लाइन्स, चूरिया, स्किन ढीली पड़ जाना, वो प्रॉब्लम अभी से ही हमें दिखाई देने लगती है। तो आज का जो पैक है वो 2-in-1 है, यानी स्किन टाइटनिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग दोनों का काम साथ में करेगा और इससे फर्स्ट यूज में ही आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा आपकी स्किन के ऊपर। तो ये जो ऑलराउंडर पैक है, इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो है ग्रीन टी। अब ग्रीन टी के बारे में आपने मेरे वीडियोस में काफी बार सुना होगा कि ग्रीन टी के अंदर रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज होती है, खास करके इसके अंदर ना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी स्किन को रिवाइव करती है, फर्म करती है और टाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आपको क्या करनी कि कोई भी ग्रीन टी आपके पास जो अवेलेबल है ना, उसको आप एक चम्मच ले सकते हो। मेरे पास यहाँ पर ग्रीन टी की बैग है, तो यहाँ पर मैं एक ग्रीन टी की बैग लूंगी और उसको हल्के गुनगुने पानी में 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इन शॉर्ट हमें ग्रीन टी का पानी यहाँ पर रेडी करना है। तो यहाँ पर मेरा देख सकते हो ग्रीन टी वाटर रेडी हो चुका है। अब इसको हम साइड में छोड़ देंगे और सबसे पहले हमें जो दो मेन पाउडर चाहिए जो स्किन टाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग में हमें हेल्प करेंगे। सबसे पहले ऑरेंज पील पाउडर यहाँ पर मैं ले रही हूँ, ये है एल्प्स गुडनेस का ऑरेंज पील पाउडर। 1-1.5 चम्मच आपको ऑरेंज पील पाउडर लेना है। ऑरेंज पील पाउडर जो होता है वो हमारी स्किन को क्लीन करता है। जो एक्सेस ऑयल समर में बहुत ज्यादा हमारे चेहरे के ऊपर दिखता है ना, वो उसको कंट्रोल करने में काम आता है, साथ में हमारी स्किन को ब्राइटन करता है, क्योंकि ऑरेंज पील पाउडर के अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी स्किन को इवन टोन बनाने में हेल्प करता है, डिस्कलरेशन भी ये दूर करता है। सेकेंड यहाँ पर मैं एल्प्स गुडनेस का सैंडलवुड पाउडर ले रही हूँ, जिसको हम बोलते हैं चंदन पाउडर। आपने चंदन पाउडर के जो बेनिफिट्स है ना, वो कई बार आपने सुने होंगे कि हमारी जो रानियाँ थी ना, वो चंदन पाउडर यूज़ किया करती थी। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच चंदन पाउडर यूज़ करूँगी एल्प्स गुडनेस का। तो इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, जो ग्रीन टी का वाटर हमने तैयार किया था वो हमें यहाँ पर धीरे धीरे करके ऐड करते जाना है और ऐसी कंसिस्टेंसी बनानी है जो एप्लीकेशन करने में आसानी हो। तकरीबन आपको 5-6 चम्मच यहाँ पर ग्रीन टी वाटर चाहिए होगा। अच्छे से आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो पैक है वो रेडी हो चुका है। बाकी अगर ग्रीन टी वाटर बच जाता है तो आप इसको एक बोतल में स्टोर करके रख सकते हो। एप्लीकेशन के टाइम ना हमें स्क्रबिंग भी करनी है, क्योंकि होता क्या है कि जब हमें पसीना होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारी स्किन की ऊपरी परत जो होती है वो धीरे धीरे करके काली पड़ गई होती है, डेड स्किन वहाँ पर जमा हो गई होती है, पोर्स में काफ़ी सारा कचरा स्टोर हो गया होता है। तो जब आप हल्के हाथों से स्क्रब करते हो ना, तो ऊपरी परत पर जो भी टेनिंग होती है, डेड स्किन जमा हुई होती है, वो धीरे धीरे करके निकलने लगती है। तो आपको आपकी जो एक्चुअल स्किन है ना, वो 2-3 यूज में फिर से दिखाई देने लगती है। इसके अंदर हमने ऑरेंज पील पाउडर यूज किया है, जो हमारी स्किन को ब्राइटन करने के साथ साथ हमारे पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करता है। तो जिनको बहुत ज्यादा ओपन पोर्स यानी खुले रोम छिद्र की प्रॉब्लम है ना, वो ये पैक को जरूर ट्राई कीजिए। साथ में इसके अंदर चंदन पाउडर, जो आज से नहीं सालों से ये पाउडर यूज किया जाता आ रहा है स्किन टाइटनिंग के लिए, आने के बाद ना आप जस्ट इसको 10-15 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जस्ट सिंपल पानी से आप आपका चेहरा धो लीजिए। सो फेस पैक निकालने के बाद ना, आप जैसे ही आपकी स्किन को टच करोगे, तो एक तो आपको आपकी स्किन स्मूथ लगेगी, दूसरा ये कि आपको ना आपकी स्किन फर्स्ट यूज में ही 2 शेड आपको ना ब्राइटर दिखेगी। फेस पैक लगाने के बाद ना ऑलवेज मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि टोनर लगाना बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जब हमने फेस पैक लगाया हुआ होता है उस टाइम पर हमारे पोर्स ना ओपन हो गए होते हैं, तो टोनर की वजह से हमारे पोर्स को श्रिंक करने में टोनर काफी हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैं जो टोनर यूज करने वाली हूँ, ये है एल्प्स गुडनेस का पपाया विटामिन सी एंड AHE ग्लो टोनर, जो आपकी स्किन में ग्लो को एड करेगा। साथ में इसके अंदर पपाया है जो स्किन को ब्राइटन करेगा, विटामिन सी है जो ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन जैसी जो स्टबन प्रॉब्लम है ना, उसको ठीक करने में काफी आपको हेल्प करेगा। ये टोनर बहुत ही जल्दी से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। प्लस ये जो टोनर है वो अल्कोहल, पैराबिन, सिलिकॉन, क्रुएल्टी, मिनरल एंड सल्फेट से फ्री है एंड कोई कलर भी इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है।
आज के पिक में मैंने जो दोनों ही पाउडर यूज किए थे ना गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है एंड खास करके ये 100% प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड प्रिजर्वेटिव से फ्री है, तो आपको कोई भी स्किन में इरिटेशन नहीं होगी, साथ में अफोर्डेबल है एंड इस तरीके की दो अलग अलग पैकेजिंग में आपको मिलते हैं, तो इसको स्टोर करना भी काफी कन्वीनियंट है। सो गाइस, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड आई लव यू सो much।